विकास नगर में एक तरफ पुलिस धुली बजरी पर प्रतिबंध लगाने का काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग इस पर पानी फेर रहा है। बता दें कि बुधवार सुबह कुलहाल चौकी इंचार्ज प्रवीण सैनी ने हिमाचल प्रदेश से आने वाले 4 डंपरों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन्हें सीज किया। साथ ही 5 डंपर के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की, जिसमें 2 डंपर में अवैध प्रतिबंधित धुली बजरी पाई गई, लेकिन प्रतिबंधित खनन सामग्री पर वन विभाग की तरफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी वन विभाग के अधिकारी अपने गैर जिम्मेदार वन कर्मियों के बचाव में पुलिस की कार्रवाई को मनाने से इनकार कर रहे हैं। विकास नगर से जय सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। ये कुछ प्रतिबंधित खनिज लेके कुछ वाहन जो हिमाचल की तरफ से आ रहे थे, हमारे द्वारा, हमारे कुलहाल चेक पोस्ट के प्रभारी द्वारा ये विगत कल और परसों 3 वाहनों को तो प्रतिबंधित खनिज में किया गया है, सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 अन्य वाहनों का MBA एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया है। क्या इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वाहनों का भी अन्य MBA की अन्य धाराओं के अंतर्गत किया गया है। क्या उसमें धुली बजरी पाई गई थी? हाँ, उसमें ये जो प्रतिबंधित खनिज है धुली बजरी वो पाई गई थी। कई बार ऐसा था कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा शिकायत है अभी भी कि हिमाचल प्रदेश से प्रतिबंधित जो सामग्री है वो उत्तराखंड आ गई है, तो इसी चीज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए हम लोगों ने कुलहाल बैरियर में अपनी स्पेशल जो टीम है उसका गठन करके उनको नियुक्त किया गया था, जिनका मतलब मेन इसमें हमारे 2 फॉरेस्टर्स हैं, 4 आपके फॉरेस्ट गार्ड्स हैं और हमारे कुछ डेली वर्कर्स हैं जो स्पेशली दिन और रात में पूरी सघनता से वहाँ पे ड्यूटी।